जॉयस्टिक के बाहर टच कर दिया ना तो वहां पर आपका जॉयस्टिक स्टक हो जाएगा या फिर एम खराब हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि थर्ड लेआउट में खेलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लेआउट। भाई इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि थर्ड लेआउट के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर लेआउट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सारे भाई मिलके एक एक लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम हम रख लेते हैं 500 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट करवा दोगे। बाकी चलते हैं हम अपने यार टॉपिक की ओर। तो पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज लेआउट, यानी लेआउट क्या होता है। तो बेसिकली लेआउट हमें रेफर करता है कंट्रोल सेटिंग को, जिसकी मदद से हम अपने बटन, जॉयस्टिक एंड अदर ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स को सही तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि गेम को सही ढंग से खेलने के लिए जो भी हम एलिमेंट्स या फिर बटन्स यूज करते हैं लाइक जंप, क्राउच, प्रोन, पीक एक्सेट्रा, उनको अपने मन मुताबिक जिस सेक्शन में हम कस्टमाइज करते हैं उसी को हम कहते हैं लेआउट या फिर कंट्रोल लेआउट। और भाई थर्ड लेआउट इज वन ऑफ द पॉपुलर चॉइस रहती है सभी प्रो प्लेयर्स के बीच में। इवन जो ज्यादातर चाइनीज प्रो प्लेयर्स होते हैं ना वो भी थर्ड लेआउट में ही खेलते हैं, और इसका जीता जागता एग्जांपल है स्टार कैप्टन। भाई अगर आप टीडीएम कम्युनिटी को थोड़ा सा भी फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि स्टार कैप्टन काफी बड़ा टीडीएम प्लेयर है और भाई उसकी एम और एक्यूरेसी का तो कोई जवाब ही नहीं। बट स्टार कैप्टन एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो उसकी एक्यूरेट मूवमेंट। और भाई ऐसी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है थर्ड लेआउट के बदौलत ही। तो थर्ड लेआउट इसलिए भी पॉपुलर होता है बंदों के बीच में क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होती है ना वो एकदम एक्यूरेट रहती है, बट इसको मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वो मुश्किल क्यों है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाकी पहले हम ये समझते हैं कि थर्ड लेआउट काम कैसे करता है। तो भाई थर्ड लेआउट को समझने से पहले हमें फर्स्ट लेआउट को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेआउट में जो क्रोशियर के लेफ्ट साइड का जितना हिस्सा होता है ना वो मूवमेंट के लिए होता है, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जॉयस्टिक का साइज कितना है और आपने जॉयस्टिक को कहां पर प्लेस किया है। जहां पर भी आप अपना अंगूठा रखोगे वहीं पर जॉयस्टिक का सेंटर बन जाएगा। बाकी राइट साइड का जो हिस्सा होता है वो एम के लिए होता है, जबकि थर्ड लेआउट में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर सिर्फ जॉयस्टिक मूवमेंट के लिए होता है, बाकी सारी स्क्रीन एम के लिए होती है, यानी सिर्फ आप जॉयस्टिक से ही मूवमेंट दे सकते हो, बाकी का जो एरिया होगा वो सिर्फ एम के लिए काम आएगा। और अगर आपने गलती से भी जॉयस्टिक के बाहर टच कर दिया ना तो वहां पर आपका जॉयस्टिक स्टक हो जाएगा या फिर एम खराब हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि थर्ड लेआउट में खेलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लेआउट। इस लेआउट के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है। तो पहले हम बात करते हैं अपने एडवांटेजेस के बारे में। पॉइंट नंबर वन, कस्टमाइजेबिलिटी। तो भाई थर्ड लेआउट जो होता है ना वो काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल होता है, विच मीन्स आप इसे अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से बना सकते हो। चाहे आप एक स्नाइपर हो, क्लोज कॉम्बैट प्लेयर हो या फिर एक ग्रेनेड लवर हो, यानी ग्रेनेड करना काफी ज्यादा पसंद करते हो, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बटन को अरेंज कर सकते हो। नंबर टू, बेटर कंट्रोल ओवर मूवमेंट एंड शूटिंग। तो बेसिकली थर्ड लेआउट मूवमेंट एंड शूटिंग दोनों के लिए हाई कंट्रोल की परमिशन देता है। मतलब जो भी प्लेयर अपने क्लॉ ग्रिप पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं या फिर जो भी प्लेयर कंट्रोल्स के लिए मल्टीपल फिंगर्स का यूज करते हैं वो इस लेआउट से काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक हो सकता है कि आप 5 फिंगर खेलने का सोच रहे होगे इन फ्यूचर। वैसे तो आप फर्स्ट लेआउट में भी खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने मूवमेंट को अच्छी करनी है तो आपको थर्ड लेआउट में खेलना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको आसानी से एक साथ मूवमेंट एंड रिकॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। नंबर थ्री, मोर स्क्रीन विजिबिलिटी। अब जो थर्ड लेआउट होता है ना वो आपको स्क्रीन पर बटन को फैलाने की अनुमति या फिर कह लो परमिशन देता है। लाइक आप अपने बटन को या फिर जॉयस्टिक को थोड़ा बड़ा रख सकते हो। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट लेआउट की, तो फर्स्ट लेआउट में हम अगर जॉयस्टिक को थोड़ा छोटा भी रख लेंगे तो उधर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की स्क्रीन होती है पूरी वो मूवमेंट के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जॉयस्टिक का साइज थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई यह लेस क्लटर एंड मोर विजिबिलिटी का कारण बन सकता है। और भाई ये आपको उन जगह पर काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा जहां पर इंटेंस फाइट हो रही हो, क्योंकि वहां पर स्क्रीन का एक एक इंच मैटर करता है। नंबर फोर, एडवांस टेक्निक्स। तो भाई थर्ड लेआउट में आप एडवांस टेक्निक्स को काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, लाइक ड्रॉप शॉट, जंप शॉट एंड क्विक स्कोपिंग, क्योंकि इसमें बटन प्लेसमेंट क्विक रिएक्शन के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में कि थर्ड लेआउट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो नंबर वन है स्टीप लर्निंग कर्व। तो भाई इस लेआउट का वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनसाइड है लर्निंग कर्व, यानी इसको सीखकर मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट लेआउट या फिर सेकंड लेआउट से यहाँ आ रहे हो तो आपको थर्ड लेआउट को मास्टर करने के लिए काफी ज्यादा टाइम और प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। तो पहली बार में आपको यह फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, क्योंकि आपका जो प्रीवियस लेआउट है वो आपकी मसल मेमोरी अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी मूवमेंट अच्छी करनी है या फिर अपना गेम प्ले
प्ले इम्प्रूव करना है तो। नंबर टू, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर कैजुअल प्लेयर। तो भाई जो थर्ड लेआउट की कस्टमाइजेबिलिटी होती है ना, वो कैजुअल प्लेयर पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप इसे ठीक से सेट करने या फिर प्रैक्टिस करने में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े जब आप रियल मैच खेलोगे या फिर कॉम्पिटेटिव मैच खेलोगे। जैसे कि आपका कभी कभी जॉयस्टिक स्टक हो जाएगा या फिर आप जिस बटन पे टच करना चाहते हो उसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो मसल मेमोरी में ना आपका प्रीवियस लेआउट है ना वो बैठा हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस लेआउट को मास्टर करना इतना भी आसान नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि ये लेआउट आप मसल मेमोरी में अच्छी तरीके से ना बैठ जाए। नंबर थ्री, डिवाइस डिपेंडेंसी। तो भाई थर्ड लेआउट की इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन से डिवाइस में खेलते हो। अगर आपके पास एक स्मॉल स्क्रीन वाला डिवाइस है तो आपको बटन्स को ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जबकि बड़ी स्क्रीन ज्यादा जगह दे सकती है, बट आपको मल्टीपल फिंगर्स को यूज करना पड़ेगा जो कि आपको स्लो बना सकती है। एंड अब हम वहां पहुंच चुके हैं जिसे हम कहते हैं फाइनल कंक्लूजन। तो क्या आपको थर्ड लेआउट पे स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्ले स्टाइल एंड कस्टमाइजेशन के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। लाइक हो सकता है कि आपने जब थर्ड लेआउट पे स्विच कर दिया के बाद आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो रहा हो, जैसे कि आपको फर्स्ट लेआउट में होता था, तो आपको फर्स्ट लेआउट में ही वापस चले जाना चाहिए। तो देखो भाई, अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो कि अपने यार दोस्तों के साथ फन के लिए खेलते हो या फिर टाइम पास के लिए खेलते हो, तो आप फर्स्ट लेआउट को यूज करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना है या फिर एक टीडियम प्लेयर बनना है लाइक स्टार कैप्टन या फिर पैराबॉय की तरह, तो आपको थर्ड लेआउट में खेलना पड़ेगा, जिससे कि आपकी मूवमेंट एकदम एक्यूरेट हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि छोटी छोटी मूवमेंट वो कैसे देते हैं। और अगर आप इसको मास्टर करने के लिए समय लगाने के लिए तैयार हो तो भाई तभी इस लेआउट पे स्विच करना, अदरवाइज मत करना। और भाई थर्ड लेआउट में जॉयस्टिक का साइज एंड प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है, तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि काफी सारे बंदों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम थर्ड लेआउट पे स्विच कर जाएंगे तो हमारे हेडशॉट ज्यादा कनेक्ट होंगे। तो देखो भाई, हेडशॉट का लेआउट से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके हेडशॉट तभी कनेक्ट होते हैं जब आपकी एम और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होती है और साथ ही आपकी अपनी सेंसिटिविटी पर पकड़ अच्छी होगी, यानी आपने उसको अच्छे से मास्टर किया होगा। तो इस वहम में बिल्कुल भी मत रहना कि अगर आप थर्ड लेआउट पे शिफ्ट कर जाओगे तो आपके हेडशॉट ज्यादा कनेक्ट होगे। तो आपको अपनी सेंसिटिविटी को अच्छी तरीके से मास्टर करना पड़ेगा, और अगर आप अपनी खुद की बनाई हुई सेंसिटिविटी को मास्टर करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पे आप ज्यादा अच्छे से एम और रिकॉल कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी बनानी नहीं आती तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये वाली देख लेना। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे कोई भी कहीं से बनाया हो तो एक सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा गेम प्ले एंजॉय करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।